गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और ये एक अनारकली ड्रेस है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये मुझे कुछ ऑफर में मिला, सेल चल रहा था ना, तो ये मुझे कुछ 600 चेंज ऐसे कुछ में मिला, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया। और अच्छा 19999 है, मतलब 2000 है, तो मुझे 600 ऐसे में मिला, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। और ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था, और ये जो है ना स्टोल इस पर फिट हो रहा है और मैच हो रहा है, तो मैंने यूज़ कर लिया। और ये मेरा बर्थडे है, तो ये भी आया है, ट्यूलिप है पिंक कलर का, वाइट भी था और पिंक भी था, तो मुझे पिंक पसंद आया। वाइट मैंने ऑर्डर नहीं किया, ये ही ऑर्डर किया था। तो स्पेशल वाला ब्लॉक है, तो जैसे नॉर्मली लोग बर्थडे मनाते हैं वैसे नहीं मनाती मैं। जब भी मेरा बर्थडे आता है अक्टूबर में, तो मेरी बेटी का भी और मेरा भी और मेरी जो नीस है ना, हम तीनों का बर्थडे सेम मंथ में आता है, मीठी जो है। और मेरी मम्मी भी अक्टूबर में ही, उनका मतलब बर्थ हुआ था, तो अक्टूबर भी अगस्त की तरह एक स्पेशल मंथ है मेरे फैमिली के लिए, हमारे लिए। तो मैं नॉर्मल लोगों की तरह बर्थडे नहीं मनाती, जैसे केक काटना और घर पे वो पूजा वगैरह तो कुछ होता है। हमारे मम्मी के घर में ना, मेरे मम्मी के घर में बर्थडे उसी तिथि में या डेट में सेलिब्रेट नहीं किया जाता, जैसे पहले ऐसा था, पर अभी थोड़ा चेंज कर दिया है। जो यंग जनरेशन जो लेटेस्ट है, उन लोगों ने तो स्टार्ट कर दिया है बर्थडे मनाना, पर हम लोग मैं जब छोटी थी, मेरा भाई जब छोटा था, तो हम मेरे जो कज़न से वो लोग नहीं मनाया करते थे, पर अभी तो उनके बच्चे मनाने लगे हैं, तो इट्स नाउ ए डिफरेंट ट्रेंड। पर मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा बर्थडे होता है तो एक ऑर्फनेज है वहाँ पे, हम लोग मेरे हस्बैंड और मैं डोनेट कर देते हैं, ताकि उस दिन हम लोग वो कोविड टाइम से मतलब हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे, नहीं तो अक्टूबर में दशहरा दिवाली वैसे आता था ना, तो हम लोग ज़रूर से एक दिन चूज़ करते थे, तब जाया करते थे हम लोग, तो स्पेशली मेरे बर्थडे पे। बच्चों का तो वो अलग है, उनका उनकी मर्ज़ी है और उनका अलग सा चॉइस है, तो इट डिपेंड्स ऑन देम। पर मेरे बर्थडे पे और मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, और ये हम लोग यूजुअली सेलिब्रेट करते हैं। पर हाँ, आज का ये स्पेशल वाला ब्लॉग मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ की ज़रूरत थी और वो मुझे गिफ्ट में मिला, साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये एक अनबॉक्सिंग है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप बताना कि आपको कैसा लगा। और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, सेम डे ही डिलीवरी हो गया, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि प्राइस थोड़ा हाई है, और मुझे बहुत टाइम पहले मैं ऑनलाइन से ही ऑर्डर किया करती थी, जैसे स्नैपडील, मिंत्रा और कुछ डिफरेंट अमेजोन फ्लिपकार्ट से, पर लेटेस्ट ऑफ लेट मैंने बंद कर दिया था कॉस्टली एक्सपेंसिव चीज़ें ऑर्डर करना। ऐसे एक मैंने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है अमेजोन से ही, मैंने अनपैक नहीं किया था अभी तक, कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गिफ्ट मिला तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया है, ये है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। 5G अभी आने वाला है ना, तो 5G कंपैटिबल बनाते हैं डिवाइसेस, पर ये गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी M33 है, और इसका मैं स्पेसिफिकेशंस बताऊंगी। ये हैंडसेट है, ओशन ब्लू कलर का है, मैं स्पेसिफिकेशंस बता देती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ कि इस पैकेट में क्या क्या था। ये एक हैंडसेट, और ये इजेक्शन पिन जो सिम डालने के लिए निकालते हैं ना, वो है,
डेटा केबल है पर वो चार्जर नहीं है इसमें, अडैप्टर, ट्रैवल अडैप्टर नहीं है, एक मैनुअल है, यूजर गाइड और ये डेटा केबल। तो अडैप्टर भी मैंने सेपरेटली ऑर्डर किया है, स्क्रीन गार्ड भी सेपरेटली ही ऑर्डर किया है, बैक कवर भी सेपरेटली ऑर्डर किया है, पर ये सिर्फ ऐसे ही हैंडसेट है। स्पेसिफिकेशन में मैं बताती हूँ, फुल HD है, 50 मेगापिक्सल, और कैमरे में ये 4 कैमरास है, बैक साइड में फ़ोटो निकालने के लिए तो बहुत अच्छा है ये कैमरा। रियर कैमरा में 2 मेगापिक्सल है, तो 4 कैमरा जो रहता है ना, इसका स्पेसिफिकेशन 5522 है MP मेगापिक्सल, और क्वाड कैमरा है, 6000 mAh बैटरी है, 16.72 cm है ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है, ऐसे एड से एड कॉर्नर टू कॉर्नर डायगनली मेजर करते हैं, तो ये 16.72 cm है। ब्रांड सैमसंग है और 8GB 128GB रैम है, तो स्टोरेज कैपेसिटी 8GB 128GB है रैम, और ट्रैवल अडेप्टर तो आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा, मैंने ले लिया है। तो और ये जो मेरा है ये अभी 3 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, मेरा जो पुराना था फ़ोन रियलमी का था, पैंडमिक से पहले ही 2019 में मैंने लिया था, तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स 3+ है, और वो ना हीट हो जाता है बहुत जल्दी से, तो मुझे चाहिए था और ये ऑफ़र में था। इसका MRP अगर पूछेंगे तो 25999 है, तो 26000 है, और मुझे मिला ये 15999, 16000 में मिला, 10000 ऑफ था। तो ट्रैवल अडेप्टर जो है ये सेपरेटली मैंने ऑर्डर किया है, ये 1000 है, 999 रुपीस, वाइट में ही ऑर्डर किया है, क्योंकि ये जो डेटा केबल है ये वाइट है ना, ये है, 1000 रुपीस है, और ये सेपरेटली मैंने ऑर्डर किया था स्क्रीन गार्ड, स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका तो ऑनलाइन ही अवेलेबल रहता है जनरली, अगर स्टोर पे जाओ तो वो ये वाला जो रहता है, क्योंकि हैंडसेट कहीं और से लो और स्क्रीन गार्ड शॉप पे लेके लेने जाओ तो मिलता नहीं है इजीली, तो इसीलिए ही मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन, तो मिल गया, और तो स्क्रीन गार्ड में डालूंगी, और बैक कवर भी ऑर्डर किया है, वो आया नहीं है अभी तक, तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं ये अनबॉक्सिंग कर ही लूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा वीडियो डालने में, तो इसीलिए मैंने बना ली ये वाली वीडियो। तो अगर प्राइस के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो ये मोबाइल तो बहुत अच्छा लगा मुझे, कलर भी अच्छा है ओशन ब्लू, और स्लीक मॉडल है, कॉर्नर जो है ये प्रोटेक्शन है दिया हुआ है, और इसमें चार्ज नहीं है, तो मैं चार्ज करके फिर, क्योंकि चार्जर भी थोड़ा लेट ही आया, मैंने जब ऑर्डर किया तब मुझे पता नहीं था कि अडेप्टर लिखा था उसमें, पर ऐसे ही मैंने सोचा कि आने दो फिर देखती हूँ, जब आ गया तब चार्ज करने के लिए फिर अडेप्टर की ज़रूरत पड़ी। पुराना सैमसंग है पर वहाँ से कर सकते थे, पर मैंने सोचा अगर नया है तो कुछ उसका ही मेल ऑर्डर कर लूँ फिर करती हूँ, तो ये आ गया, ये फिर मैं चार्ज करके यूज़ करूँगी सिम डाल के, तो फिर कभी मैं आपको इसका रिव्यू भी दे दूँगी यूसेज के बाद, पर अभी तो ये अनबॉक्सिंग था, तो आप बताइए आपको कैसा लगा, और ये मुझे ज़रूरत था तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया, नहीं तो यूजुअली मैं ना, मुझे पसंद है गिफ्ट लेना ना मैं डिमांड करती हूँ, क्लेम करती हूँ मेरे हस्बैंड से, हम लोग ऐसे खुश होते हैं कि हाँ चलो कुछ अच्छा काम किया, पैदा होके क्या अच्छा काम कर लिया ऐसे बोलते हैं ना मूवी में डालो, तो चलो हमारे जो बर्थडे आता है तो ऑर्फनेज में किसी के मुँह में खुशी तो आती है, हैप्पीनेस तो आता है, तो उनका ही प्रेयर्स ब्लेसिंग्स वो तो प्राइसलेस है, और इसीलिए हमने चूज़ किया कि इस तरह हम सेलिब्रेट करें, तो
केक भी बनाया था, बच्चों को तो पसंद है बनाया था, तो वो क्या हो गया ना, फ्लॉप शो हो गया। एक आमंड फ्लो था उसका केक मिक्स, तो मैंने बनाया था। फिर जल्दी जल्दी में ना वो गर्म ही था, मैंने अपना जो एयर फ्रायर है उसी में बनाया था, केक गर्म ही था तो मैंने जल्दी रात को बनाया था, कल रात को जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे पलट दिया तो पूरा वो मतलब पेस्ट हो गया, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया, पोपट हो गया पूरा मेरा। पर टेक्सचर में और टेस्ट में इतना अच्छा लग रहा था, और गिल्ट फ्री केक आप खा सकते हैं, आमंड का है, वेगन है, ना मिल्क है, ना क्रीम है, ना ही घी वगैरह कुछ है उसमें, बट ना मिल्क है, ना क्रीम है, ना बटर है। इंग्रेडिएंट्स में तो ये नहीं लिखा था, आपको दिखाऊंगी मैं तो आपको पता चलेगा पूरा। तो मतलब कभी कभी फेलियर से ही सीखना चाहिए। अगर ज़्यादा लंबा ना हो जाए ये वाली वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आमंड फ्लोर का केक, और आपको ये वाली मेरी जो ड्रेस है और ये अनबॉक्सिंग जो है ये आप ज़रूर से बताना कि कैसा लगा। और यहाँ पे ना ये ड्रेस में गोटा पट्टी, अनारकली ड्रेस है, मैं पूरा दिखाऊंगी, अनारकली ड्रेस है और गोटा पट्टी यहाँ पे है, 3/4 स्लीव्स है, ज़्यादा लंबा नहीं, अच्छा लगता है मुझे। और कॉटन है, ये बहुत अच्छी बात है, कॉटन है, कंफर्टेबल है, और कलर के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है। मेरा जो दीवान सेट है ना वो तो थोड़ा डार्क है, पर ये लाइट में है बेबी पिंक जैसे, तो अच्छा लगता है मुझे। तो आप बताना आपको कैसा लगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।